أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غلبتم من شيء فأن لله

एक मरकज़ी आइडिया के अतरफ़ घूमते हैं और ये मज़मून बहुत रवा है अगर आप उस सेंट्रल आइडिया को कोई टाइटल देना चाहते हो तो कह सकते हैं क्लैश ऑफ गुड एंड एविल एंड बिलीवर्स पोजिशन इसमें सबसे पहले जंग बदर का ज़िक्र आया है दुनिया में हकब बातिल की कशमकश क्लैश ऑफ़ ट्रुथ एंड एविल रोज़ अव्वल से है उनमें बाज दिन ऐसे आते हैं जिन्हें यौमरक़ान कहा जा सकता है जिस दिन हक़ खुल कर सामने आता है और बातिल का बातिल होना साबित हो जाता है उसकी तारीख़ी मिसाल जंग बद्र है एक तरफ़ बातिल अपने पूरे गुरूर के साथ और काफ़ी साजो सामान के साथ था और दूसरी तरफ हक़ जज्ब दीन और जज्ब शहादत से सरशार था और मादिल से बातिल के बहुत पीछे था उस दिन ईमान आगे निकल गया माद ओहदे, मनसब इकतेदार सब पीछे रह गए इस पस मंज़र में दो अहम बातें बयान की गई एक तो ये कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काफ़ी है तुम्हारी मदद के लिए और दूसरी बात मोमिनों को बताया गया कि मोमिनों के कलूब में अल्लाह ताला ने एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दी जो सारी ज़मीन खर्च करके भी हासिल नहीं की जा सकती अगर अल्लाह ना चाहे मक्का और मदीना की रियासत के माबे एक एग्रीमेंट था सुलह हुदैबिया के मौके पर उसके टूटने पर एलान जंग किया गया ये सूरह तोबा का मजमून है मगर जंग में भी दावत ही मुकदम हो यह तालीम दी गई सल्तनत मक्का ने ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया जंग बंदी के माहदात तोड़े गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत दी गई कि वो इस एग्रेशन को रेसिप्रोकेट करें एक खुले जहन से कुरान पढ़ने वाले को इसमें फेरनस महसूस होगा अक्बातिल की कश्मकश में बातिल क्या चाहता है वो चाहता यह है कि नूर हिदायत को अपनी फूकों से बुझा दे मगर अल्लाह त वादा किया और सर की आंखों से इस वादे को देख सकते हैं कि उसकी नूर की वो हिफाजत करेगा और ये दिन दुनिया में गालिब था और गालिब होकर रहेगा बातिल के इन सुरगनों और ये जो लीडर्स हैं उनका किरदार अच्छा नहीं है कुरान ने उसकी तस्वीर पेश की वो करप्ट लोग हैं उन्होंने दौलत का एक पहाड़ जमा करके रखा है और इसी दौलत को जहन्नम की आग में तपाकर उन्हें क़्यामत के दिन दागा जाएगा मुसलमानों को कहा गया कि मजबूत कदम के साथ वो इस्लाम की राह में जमे रहें हर हाल में नुसरत दीन के लिए खड़े होने के लिए उन्हें आमादा किया गया ये खुद उनकी भलाई के लिए है वरना अल्लाह ताला मोहताज नहीं है उसने अपने नबियों और रसूलों की उस वक्त भी मदद की जब किसी ने उनका साथ नहीं दिया कुफार मुश्रकिन और मुनाफिकीन का रवैया माल समेटने का होता है ईमान का तकाजा है कि माल खुदा के रास्ते में ख़र्च किया जाए और ज़कात की एक मुतन रकम हर साल हर साहेब निसाब निकालता रहे और अहल ज़रूरत पर खर्च करता रहे अल्लाह मोमिनों से राजी होता है वो लीस्ट रिसोर्स के साथ लॉफ्टी गोल को लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह ताली ने उनके लिए जन्नतें और बड़ी कामयाबी की बशारत दी है बदूओं को पीछे रह जाने वालों को अल्लाह तब से ना किया और मुसलमानों को बताया कि उनकी तरह ना हो जाए हाँ ज़ाइफ मरीज़ कमज़ोर गरीब और मजबूर हैं तो वो सब काबिल माफी हैं और इस्लाम की राह में जद्द में और जिहाद में वो शरीक ना हो तो वो काबिल माफ़ी हैं ख़ातिन हजरात ये पूरे पारे में पाए जाने वाला एक ही मजमून है जो बातिल की कशमकश से मुतल है अब हम सब्जेक्ट ऑफ द डे पर बात करेंगे और वो आज के ज़माने का एक बहुत ही सुलगता मौजू है बर्निंग टॉपिक है वो है जिहाद इस्लाम हम पहले सूरह नंबर आठ में आयतें सिक्सटी और सिक्सटी वन को पेश करेंगे कुरान कहता है व मिन मस्तातमिन व खैली तुरहिबुना बिही ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنه للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم इसका तर्जुमा है कि तुम लोग जहाँ तक तुम्हारा बस चले ज़्यादा से ज़्यादा ताकत और तैयार बंधे रहने वाले घोड़े उनके मुकाबले में मुहैया कर रखो ताकि उसके ज़रिए अल्लाह के और अपने दुश्मनों को और उन दूसरे आदा को यानि दुश्मनों को खौफ ज़्यादा करो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है अल्लाह की राह में जो कुछ तुम खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदल तुम्हारी तरफ पलटाया जाएगा और तुम्हारे साथ हरग नहीं होगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुश्मन सुलह व सलामती की तरफ मायल हो तो तुम भी उनके लिए आमादा हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो यकीनन वही सुनने और जानने वाला है नाजरीन अब हम पहले जिहाद से मुतल मजमून को समझने के लिए चार फंडामेंटल पॉइंट्स पर गुफगू करेंगे वो चार बुनियादी अहम नुकात हैं नंबर एक इस्लाम एक निज़ाम हयात है नंबर दो मुसलमान एक आलमगीर उम्मत हैं नंबर तीन मुसलमानों का मकसद हयात अमर बिलमारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर है नंबर चार इस काम को अदा करने के लिए जो जद्दोजहद की जाएगी उसके लिए कुरान में लफ्ज जिहाद इस्तेमाल किया गया अब इन चार नुकात को हम इख्तिसार के साथ समझ लेते हैं फिर उसके बड़े मजमून पर आते हैं जो जिहाद का मजमून है इस्लाम ये वे ऑफ लाइफ पहला नुकता ये समझ लें इस्लाम एक निज़ाम हयात है उसमें अकीदे की बहस गुंजलक नहीं साफ़ है इबादत सिखाई गई हैं इंसानों से हमदर्दी को ईमान का तकाजा बताया गया है शादी के अहकाम बताए गए हैं कमाने के तौर तरीक़े सिखाए गए हैं दौलत कमाने के आदाब और खर्च करने के मकाम बताए गए हैं तालीम की बुनियादें क्या हों उसकी रहनुमाई की गई है सूद को हराम करार दिया गया है शराब पीने पर पाबंदी लगाई गई है इस्लाम में निज़ाम ममलिकत के असूल भी बताए गए हैं सुलह और जंग के आदाब भी बताए गए हैं और ये सब कुछ कुरान के अंदर मौजूद है नंबर दो मुसलमान एक आलमगीर उम्मत है यू आर रेस फॉर ह्यूमैनिटी कुरान ने मुसलमानों के बारे में बताया कन तुम खैर उम्मन उखरजतल नास तुम किसी खास नस्ल या मुल्क की फ़िक्र नहीं करते हो बल्कि तुम बनी नौ इंसानी की खिदमत के लिए पैदा किए गए हो यह दावा दुनिया में कोई ग्रोह अपने मजहबी किताब की बुनियाद पर नहीं कर सकता सिवाय मुसलमानों के तीसरा जो बुनियादी नुकता है जिसे आज हमें समझ लेना है वो यह है कि बनी नौ इंसानी की असल खिदमत यह है कि उन्हें नेकी का हुक्कुम दें और बदी से रोकें मुसलमानों के बारे में कहा गया कि बिल नूपी वतन हौन अनिल मुनकर यह उनका मकसद है वजूद है मरूफ का मतलब वो तमाम नेकियाँ जो इंसानी फरत के अंदर मौजूद हैं मुनकर से मुराद वह तमाम बुराइयाँ जो इंसानी फितरत नापसंद करती हैं लूट खसोट लोगों को उनके घरों से निकाल देना दूसरों की ज़मीनों पर कब्ज़ा जमाना ज़मीर की आज़ादी छीन लेना ये सब मुनकर हैं। नंबर चार दुनिया में नेकियां आम हों और बुराइयां रुकें उसके लिए की जाने वाली हर कोशिश का नाम जिहाद है ज़ुबान क़लम के ज़ोर से लोगों के नुक़ नज़र को बदल देना हो जहनों में इनकलाम बर्पा करना हो तो इस कोशिश का नाम भी जिहाद है और बाज अव तलवार के ज़ोर से जालिमाना निज़ाम ज़िंदगी को बदल देना भी जिहाद है अब इन बुनियादी बातों को समझने के बाद आइय दरा तफसी से जिहाद की गर्ज वायत को समझते हैं आज की गुफ्तु में जिन आयतों को इस्तलाल के तौर पर पेश किया जाएगा वह सब इसी जुज़ से लिए गए हैं इस जुज़ में दो सूरतें आती हैं एक सुरह अनफ़ाल दूसरी सूरह तोबा इन दोनों सूरतों का मिजाज एक ही है इन दोनों सूरतों में जिहाद सेंट्रल थीम है इस गुफ्तु को हम इंशाल्लाह मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह लाई की आरा किताब अल जिहाद इस्लाम की रोशनी में करेंगे ये किताब उन्होंने तेईस साल की उम्र में लिखी हमें एक बात बावर कराई गई है वी हैव बीन मेड तो टू बिलीव वो ये है कि इस्लाम नौजबिल्ल दहशत गर्दी का मजहब है गुज़िश्ता सदी में मुस्तरकन ने इस्लाम पर बहुतान तराशे और नाइन इलेवन के बाद आलमी मीडिया ने इस्लाम को दहशत गर्दी से जोड़ा जबकि इस तरह के वाकियात के पीछे जिन हाथों की कार फरमाई होती है दुनिया को उससे वाकिफियत नहीं होती और तुरफा तमाशा यह है कि एतराज़ वो लोग करते हैं जिनके हाथ खून से सुर्ख हैं अमेरिका ने गुजा एक सदी में सौ से ज़्यादा जंगे लड़ी हैं और लाखों बेगुना इंसानों को मौत के घाट उतार दिया गया क्या हिरोशिमा और नागासाकी को कोई भुला सकता है मैंने हिरोशिमा में वॉर मेमोरियल को देखा है बम जहां गिरा उसके तीन सर्कल्स हो गए थे जो कोर सर्कल था उसमें कुछ लम्हों के लिए टेन थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया वहां की हर चीज जलकर भस्म हो गई दूसरे दायरे में जो इंसान थे वो पिघल पिघल कर मर रहे थे उसके कुछ फोटोज़ और उसके कुछ मॉडल्स वहाँ उस म्यूजियम में रखे गए हैं और तीसरे दायरे में जो लोग मुतासर हुए वो तरह तरह की बीमारियों का शिकार हुए और आपको मालूम होना चाहिए कि ये असरा देखने के बाद तीन दिन के बाद नागा पर बम डाला गया ताकि इंसानों को और ज़्यादा तकलीफ दी जाए हमारे मुल्क में भी बहुत से बम ब्लास्ट होते रहे मुस्लिम नौजवान पकड़े जाते रहे 20-25 साल के बाद अदालतों ने उन्हें बरी किया जिन लोगों ने साजिशें रचीं और नौजवानों की जिंदगियों को बर्बाद किया उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है हकीकत का इल्म तो खुदा को है मगर मंजर आम पर जो बातें मीडिया प्रोजेक्ट करता रहा उससे इस्लाम के दुश्मनों में इस्लाम के खिलाफ एक शदीद नफरत पैदा हो गई मुसलमानों की यह तस्वीर पेश की गई कि उनका मजहब उन्हें तालीम देता है और वह खूनखार हो जाते हैं दुनिया के तमाम तमद्दन की तरह इस्लाम में भी इंसान के ज़िंदा रहने का हक अवलिन हक माना गया है दुनिया की तमाम शरीयतें और महजब कवानीन ने भी इंसानी जान के एहतराम को तस्लीम किया है और ये अखलाकी असूल माना गया है जतीी अदावत या जतीि मफाद के लिए किसी का कत्ल करना बदतरीन संग है इस्लाम की बुनियादी तालीम है मन नफसम नफसिन और फसादिन फिल फ़तला सजमियाँ व मन अः फ़क अहन्ना सजमियाँ इसका तर्जुमा है जिसने किसी इंसान को खून के बदले या ज़मीन में फ़साद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया और जिसने किसी की जान बचाई उसने गोया तमाम इंसानों को ज़िंदगी बख्श दी अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि किसी का ना हक़ खून बहाना कबीरा गुना है जबकि हक़ के साथ किसी का कत्ल समाज को फितना से पाक रखने और अमन क़ायम करने के लिए ज़रूरी है ऐसी जंग को जो जालिमों को जुल्म से रोकने के लिए और मुफ्दों को फसाद बरपा करने से रोकने के लिए की जाए ताकि अपनी मुदाफ़ियत हो सेल्फ डिफेंस हो और कमज़ोरों और बेबसों और मजलूमों की मदद के लिए जो जंग लड़ी जाएगी उसे ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने उसकी राह में जंग करार दिया यानी जिहाद फ़ी सभी इसके मुकाबिल जालिम जो जुल्म, नाफ़रमानी और सरकशी की खातिर लड़ते हैं वो दरअसल शैतान के दोस्त हैं हर वो जंग जिसमें आम इंसानों को तकलीफ़ देना हो हकदारों को उनके हक़ से महरूम करना हो उनकी जायज़ मिल्कियतों से कमज़ोरों को बेदखल करना हो बेकसूर उन्हें सताना हो ये तमाम लड़ाइयाँ शैतान के रास्ते की लड़ाइयाँ हैं अलबा जो लोग अपनी इज्जत आबरू की दिफा करने के लिए अपनी ज़मीन की हिफाजत करने के लिए लड़ेंगे वो अल्लाह के रास्ते के सिपाही हैं यही ईमान का तकाजा है और अल्लाह ताली ऐसे लोगों से मुहबत करता है जो उसकी राह में सफ़ बस्ता होकर जारीम उसे लड़ते हैं ये काम हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम के मुतवली बनकर उसकी खिदमत करने से भी ज़्यादा नेक काम है ये काम इसलिए नहीं कि अहले ईमान दुनिया की दौलत समेटें और हुकूमतें कायम करें बल्कि उसका मकसद सिर्फ़ अल्लाह ताला की खुशनुदी और अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी हो इसके बरस जो लोग शैतान की राह में जंग करते हैं वो मुल्कों को फतह करने के बाद खूब रुपया पैसा बटोरते हैं अपनी तिजारत की मंडियों को चमकाते हैं और कौम के अवाम से छनी हुई दौलत से अपने लिए अली शान तमदन कायम करते हैं जब जिहाद से दुनिया की दौलत और मुल्क गिरी मकसूद नहीं तो फिर आखिर क्या मकसद है मकसद यही है कि इंसानों को बिलखसूस सताया ना जाए ताकतवर कमज़ोरों को न खा जाए जालिम शहरों और बस्तियों के अमन और चैन को गारत न करें इंसानों की रूहानी ज़िंदगी को हिलात में मुबला ना करें जुलाफ़ी ख़त्म हो क़त्ल व गारतगिरी खत्म हो और इंसानों को आज़ादी राय का हक़ मिले इसके लिए मुसलमानों को कहा गया कि वह अपनी ऐश व आराम को क़ुरबान करके इंसानियत की खिदमत के लिए उठ खड़े हों नाजरीन ये ओवरऑल पिक्चर था जिसे मैंने पेश किया अब हम इस्लामी जिहाद के चंद मकासद आपके सामने पेश करेंगे और इसी जुज की आयतों को आपके सामने पेश करेंगे कुछ और मकामा के आयतों से भी इस्तेलाल करेंगे जो जिहाद के मकासद हैं उनमें से पहला मकसद है अपना दिफा करना अभी जो आयत मैंने तिलावत की व आयुम मस्तातम मिनकवा इसमें अल्लाह त मुसलमानों को बताया कि वो हमेशा जिहाद के लिए तैयार रहें पर्टिकुलरली नबी करीम अलैहि वसल्लम जो मदीना पहुँचे तो मदीना पहुँचने के बाद जो पहली जंगें हुई थी उनका बुनियादी मकसद डिफेंस था उन्हें सख्ती से हुक्म दिया गया कि जो कोई तुम्हारे इंसानी हकूक़ को छीनने की कोशिश करे तुम पर ज़ुल्म ढाए तुम्हारी जायज़ मिल्कियतों से तुम्हें बेदखल कर दे तुमसे ईमान और ज़मीर की आज़ादी सल्फ करे तुम्हें अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने से रोके, तुम्हारे इजमाही नज्म को दरहम बरहम करना चाहें और तुम्हें सिर्फ इसलिए सताएं कि तुम मुसलमान हो तो उनके मुकाबले में हरगज़ कमज़ोरी न दिखाना और अपनी पूरी ताकत के साथ उनके इस जुल्म को दफ़ा करना गोया उस वक्त मुसलमानों में लड़ने के काबिल मर्दों की तदाद सिर्फ तीन सौ तेरह थी माध्य इसबाब की कमी के बावजूद मक्के के जालिम लीडरों के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान बदर में मुसलमान आ गए और उधर कुफ़ारो मश्रकिन की तदाद एक हज़ार थी जिनके पास हर किस्म के हथियार और साधो सामान थे मुसलमानों का उस वक्त ऐसा करना हिफाजत दीन के लिए और अपने मुल्क के दिफा के लिए ज़रूरी था टू प्रोटेक्ट इस्लाम एंड इन डिफेंस ऑफ द मदीना स्टेट ये काम हर मुसलमान के लिए फ़रदन फरदन ज़रूरी था इस तरह जंग तबूक के लिए जब ऐलान हो गया तो जो लोग जंग में लड़ने के लिए जी चुरा रहे थे तो उनके ईमान पर सवाल खड़ा किया गया इस जुज् में जंग के जो मकासद बयान किए गए उनमें से ये पहला मकसद था अब आइए दूसरा मकसद वह है जुल्म का जवाब देना मुशरिक ने मक्का ने जुल्म किया मुसलमानों को उनकी ज़मीन से निकाल दिया उनके घरों को उजाड़ दिया उनकी दौलत छीन ली और जब मुसलमान मदीना पहुँच पनाह ली तो वहाँ भी उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया गया उन पर चढ़ाई करने का फ़ैसला किया तो क़ुरान ने सुर हज में उन्हें इजाज़त दी अला जुलिमो वसर अल्लादीन ربنا الله इजाज़त दे दी गई उन लोगों को जिनके खिलाफ जंग की जा रही है क्योंकि वह मजलूम हैं और अल्लाह यक़ीन इनकी मदद पर कादिर है ये वो लोग हैं जो अपने घरों से ना हक निकाल दिए गए सिर्फ इस कसूर पर कि वो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है इन आयतों को समझने के लिए थोड़ा सा पस मंजर समझने की ज़रूरत है मक्का एक स्टेट था मदीना दूसरा स्टेट मक्का से मुसलमान निकाल दिए गए और मदीने में जाकर उन्होंने पनाह ली कुफार मक्का मुसलमानों को वहाँ भी चैन से बैठने नहीं दिया मदीने के अतराफ जो कबाइल थे उनसे उन्होंने कहा कि तुम अपनी फसल और अपना तिजारती सामान मदीने के लोगों के हाथों नहीं बेचना और उसका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे मदीने में रसद का पहुंचना बंद हो गया खाने पीने की चीज़ें फल सब्ज़ी तरकारी मदीने में मुश्किल से मिलती थी मदीने के अतराफ़ जो बदूक कबाइल थे उन्हें सरदारा ने ने उकसाया कि वो मदीने पर वक्फे वक्फे से हमला करते रहें वो आते और कभी रसोल्ला की भेड़ बकरियों को चुना ले जाते मुसलमानों से घर बार छीन लिया गया मक्के में उनके जीने का हक सलब कर लिया गया ऐसे में उनके जुल्म का जवाब देने के लिए मुसलमानों को इजाजत दी गई कि वो उनसे लड़े नंबर तीन दीन के रास्ते से रोकने वालों से लड़ना खरजु मिन वरिया अन खरजुम वल्लाहु बिमा या मुहीत और उन लोगों के से रंग ढंग इख्तियार ना करो जो अपने घरों से इतराते हुए और लोगों को अपनी शान दिखाते हुए निकले और जिनकी रविश यह है कि अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं जो कुछ वो कर रहे हैं वो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं है मक्के में उन्हें सिर्फ इस बात पर सताया गया कि वो मुसलमान हैं ये सब इस्लाम से रोकने की कोशिशें हैं जिसे कुरान में सद्दा सबी कहा गया यानी खुदा के रास्ते से रोकना तो ऐसे में मुसलमानों को अपनी मजहबी आज़ादी की खातिर अपने दीन की हिफाजत के लिए और मदीने के दिफा के लिए लड़ने की इजाज़त दी गई खुदा के रास्ते से रोकने के तीन मफहम हो सकते हैं नंबर एक हर मजहब का एक रास्ता है और इस्लाम भी जिंदगी गुजारने का एक रास्ता है दूसरे रास्ते पर चलने वालों को पहले रास्ते पर यानी इस्लाम के रास्ते पर आने से रोकना ये भी सद्दान सबील है नंबर दो इस्लाम के रास्ते पर चलने वालों को दूसरे रास्तों पर आने के लिए जबर करना यह भी सद्दान सबील है नंबर तीन मुसलमानों के रास्ते में कांटे बिछाए जाना हजरात ये तीन मकासद चौथा मकसद इस्लामी रियासत के साथ माहिदा तोड़ने वालों से लड़ना कुरान कहता है इसी जिस के अंदर अला कौमन नकसुना बिखराज रसूल अन बदऊल अतक शवन हम कहता है कि क्या तुम न लड़ोगे ऐसे लोगों से जो अपने अहद यानी वादे तोड़ते हैं एग्रीमेंट्स तोड़ते हैं जिन्होंने रसूल को मुल्क से निकाल देने का कसद किया था और ज्यादती की इब्तदा करने वाले लोग वही थे क्या तुम उनसे डरते हो अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह इसका ज़्यादा मस्तक है कि उससे डरो इसी तरह सुरह अनफाल में भी एक आयत आती है जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों से कहा कि उनमें से वो लोग जिनके साथ आपने माहदा किया फिर वो हर मौके पर उसको तोड़ते हैं और ज़रा ख़ुदा का खौफ नहीं करते बस अगर ये लोग तुम्हें लड़ाई में मिल जाएं, तो उनकी ऐसी खबर लो कि उसके बाद जो दूसरे लोग ऐसी रविश इख्तियार करने वाले हों उनके हवास बाखता हो जाए तो है कि बदअहदों के इस अंजाम से वो सबक लेंगे इन आयतों के पस मंजर को समझ लेना चाहिए कि मक्का और मदीने की रियासतों के बीच में जंग बंदी के माहदा तय हो गए थे जिसे सुलह उदेबिया का नाम दिया जाता है मगर ने मक् अपने माहदे में मुखलस न थे वो चोर दरवाज़ों से मदीने पर हमला कराते थे, थे जब उनकी सरकशी मालूम हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुम दिया कि जब उन्होंने अहद का पास व लिहाज नहीं किया तो आपको भी उनहदों की पाबंदी ज़रूरी नहीं है उनसे कहें कि आप अपनी सरकशी का मजा छकें यह इसलिए कि उन्हें मालूम हो जाए कि मुसलमान मोम की नाक नहीं है कि जिस तरफ चाहे मोड़ दें मुसलमान एक उल पसंद जमात हैं और रियासत मदीना एक उसूल पसंद रियासत है उस वक्त के इंसानों और उस वक्त की रियासत ने दुनिया के लिए अली तरीन मॉडल पेश किया जहां उन्होंने आला अली अखलाकरदार का मुजाह किया वहीं जरत और शुजात के इजहार की भी जरूरत थी जब शर और फितने सर उठाने लगे नंबर पाँच फितना फसाद का खात्मा इन मकासद के अलावा असल मकसद दुनिया से फितना फसाद को ख़त्म करना है मगरब के लोग दुनिया में जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उन्होंने ये मकसद बताया कि हम गैर महजब कौमों को महजब बनाना चाहते हैं मगर उन्होंने जो कुछ किया वो इंसानी तारीख़ ने देख लिया कि कमज़ोर कौमों के आज़ादी पर डाके डालना ममालिक को लूटना कुदरती ज़ायर पर कब्ज़ा जमाना उनका असल काम था जहाँ जहाँ वो गए वहाँ वहाँ उन्होंने कौमों को गरीब कर दिया इख्लाफात पैदा किए इंसानी शराफत की तमाम खसूसियात को मिटा दिया ज़मीन को फितरों से भर दिया मुसलमान जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ की आबादियों को जुल्म जबर से आज़ाद किया वहाँ की कौमें तरक्याफ्ता हो गई इल्म का एक नया दौर दौरा शुरू हुआ तौर पर लोग खुशहाल हो गए और उनकी सल्तनत में दीगर अमाम बाज्ज़त और बाक़ार जिंदगी बसर करने लगे इस्लाम में फतह करने और दौलत समेटने के लिए और अपनी हुकूमत क़ायम करने के लिए जंग नहीं है उसके बरक्स जुल्म का खातिमा करके वहाँ के मुकामी बाशिंदों को अमन और खुशहाली से सरफराज करना इन तमाम जंगों का मकसद था जो सहबा कराम के ज़माने में हुई मुसलमान जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उन्होंने कौमों को पस्ती से निकाला जिसमें वो गिरी हुई थी उन्हें मादी और अखलाक़ी और रूहानी मेराज पर पहुंचाया। नाजरीन अब चलते चलते एक सरसरी नज़र जंगों के मकासद पर डाल लेते हैं दुनिया में दौर जाहलीत में फिर रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर की लड़ाइयों में फिर आज की मगरबी दुनिया की जंगों में क्या मकासद हैं और इस्लाम ने क्या मकासद तय किए उनका एक अगर कंपैरिजन करके देख लिया जाए तो पता चलेगा कि जिहाद एक मुकदस फरीज़ा था न कि दुनिया को दहशत में मुबतला करना दुनिया में जो जंगें की जाती थी और आज भी की जाती हैं उनमें वसायल पर कब्ज़ा जमाना ममालिक दौलत को लूटना नस्ली तफाखुर कायम करना और इंतकाम लेना जंग के असल मखाद होते हैं इस्लाम के मखासद जंग में उनमें से कोई चीज़ भी पेश नज़र नहीं है सहाबा और उसके बाद के दौर में जंगों के जरिए जिन ममालिक को फ़तह किया वहाँ दुनिया में बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम हुई और शानदार तहजीब और तमद्दुन ने जन्म लिया और यह भी कंपेयर करके देखने की ज़रूरत है कि इस्लाम और गैर इस्लाम के दरमियान जंग के आदाब में फ़र्क क्या है जंग के आदाब खुद इस जज़् की आयतों में मौजूद हैं जहाँ मुसलमानों को जिहाद पर उभारा गया इस्लाम ने जंग के जो आदाब बताए उनमें से सिर्फ कम्पैटेंट से लड़ने का हुक्म दिया गया नॉन कम्पैटेंट्स पर हाथ उठाना हराम है इसका मुजना इस जंग से करके देखें जो इस वक्त इसराइल फ़लस्तन के साथ कर रहा है इस्लाम के आदाब जंग में बच्चों औरतों और माजूरों का तहफ़ करना शर्त है मगरब जो जंग लड़ता है उसमें हस्पतालों पर बमबारी करना औरतों और बच्चों को खसूस टारगेट बनाना उनका शेवा है इस्लाम में आग का अजाब देना जायज़ नहीं है जबकि इस वक्त मगरब जो जंग लड़ता है वह आग ही की बरसात करता है इस्लाम के आदाब जंग में इबादत गाहों का तहफ़ करना जरूरी है जबकि ईरानी और रूमी जंगों में एक दूसरे के मजहबी इबादत गाहों को मिसमार कर देते थे मग़रब ने जो जंगें की उनमें मुकामी बाशिंदों का इस तरह शिकार किया जिस तरह से हरनों का शिकार किया जाता है और उनकी पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया ऑस्ट्रेलिया में जब यूरोप के लोग गए तो वहाँ के मुकामी बाशिंदों का इस तरह शिकार किया वहाँ के एब का इस तरह से शिकार किया जिस तरह से हरनों का शिकार किया जाता है और पूरी आबादी को उन्होंने ख़त्म कर दिया अब कुछ लोग वहाँ बच गए हैं आज उनकी पार्लियामेंट माफ़ी के रेजोल्यूशन पास करती है और उनके लिए खसूस रियायात और पैकेजेस का ऐलान करती है जहाँ ऐसा ना कर सके वहाँ इंसानों को ग़ुलाम बना लिया और उनकी तजारत की इस्लाम के आदाब जंग में ये सब हराम हैं इसराइल जो जंग कर रहा है उसमें सत्तर फीसद इमारतों को उसने मिसमार कर दिया इस्लामी आदाब जंग में यह सब काम हराम फेल हैं प्रेजेंट्स ऑफ वार के साथ भी उसने सलूक इस्लाम की तालीम है जबकि अमेरिका ने इराक में असरान जंग यानी प्रेज वार के साथ जो कुछ किया दुनिया उसे जानती है खुतिनत ये थी वो बातें जो इस्लाम के तस्वर जिहाद के तहत आपके सामने पेश करनी थी जो भी आदमी तब के आइनक निकाल कर इस्लाम की इन तलीमात को देखेगा वो पुकार उठेगा कि दुनिया ने इस्लाम को किस तरह से मीडिया और प्रपोगेशन के ज़रिए से रसवा किया है खिरत का नाम जुनू पड़ गया जुनू का खिरत जो चाहे आपका हसन करिश्मा सांस करे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इन बातों को समझने की तोफ़ी अदा फरमाएँ और ये बातें हमारे गैर मुस्लिम भाइयों तक भी पहुँचाने की हमें तोफ़ी अदा करें आमीन व आखिर दावाना अलहमदिल्ल E <sweak>